और खबर आ रही है कानपुर से, जहां पर सिसमऊ में उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यूपी के वित्त संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और सांसद रमेश अवस्थी ने कार्यालय का उद्घाटन किया। इसी के साथ महापौर, सांसद, विधायक और संगठन के लोगों ने एकजुटता का संदेश भी दिया। वहीं सिसमऊ की जनता ने भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को जिताने का संकल्प लिया है। आइए दिखाते हैं क्या कहना है सुरेश खन्ना, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का। शहर में एक ही चर्चा है कि हम जीतने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं लगातार। क्यों? इसलिए कि सभी समाज के लोग, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, सख सरदार हो, वाल्मीकि हो, सोनकर हो, खटिक हो, कुर्मी हो, काछी हो, किसान हो, वैश्य हो, और कोई भी कैडर का व्यक्ति हो, चाहे सर्विस क्लास हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आज सभी लोगों एक साथ की आवाज़ यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से भारी बहुमत से जीतेगी। ये जनता की आवाज़ है, ये लोग कह रहे हैं, और इसलिए जीतेगी कि अब बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला है कि गुंडा राज इस खसीसा में उसे समाप्त करने का, गुंडागर्दी समाप्त करने का, ऐसे एरा को समाप्त करने का जो 20 साल से जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में आतंकवाद और हर तरीके से आपराधिक जगत को बढ़ावा दिया, उसका समाप्त करना है। और उसके लिए एक ही विकल्प है, वो है केवल भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल। सभी वर्गों का चूँकि समर्थन मिल रहा है, यहाँ तक कि हमारे मुस्लिम भाइयों का भी समर्थन मिल रहा है, इसलिए हम जरूर जीतें। थैंक यू।